तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ मैगी, लेकिन कुछ हमारे चैनल के और हमारे अंदाज के अंदर, आप लोगों की तरह एकदम सिंपल तरीके से नहीं। तो आप लोगों ने भी जो अभी तक मैगी को है पानी में बनाया होगा, और आप लोगों ने जिनकी वीडियो देखी है अभी तक, उन्होंने जो है मैगी को चॉकलेट के अंदर हो गया, जोलो चिप के अंदर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हो गया, कोको कोला के अंदर हो गया, और न जाने किस किस चीज में। यार आज जो हम मैगी बनाने वाले हैं वो मिल्क, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चॉकलेट वोकलेट के अंदर नहीं बनाने वाले। आज हम जो मैगी बनाने वाले एकदम नए अंदाज में बनाने वाले, और नए तरीके से बनाने वाले, और नई चीज के साथ में बनाने वाले। तो यार यहाँ पर जो है वो नई चीज है, वो है यहाँ पर ये। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस ये है यहाँ पर द लेजेंडरी बियर, यानी कि गॉडफादर की द लेजेंडरी बियर। आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, और ये जो है लगभग आधे लीटर का कैन है। तो यार इस पूरी के अंदर ही हम जो है आज बनाने वाले हैं मैगी। सोचो यार बियर वाली मैगी। अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, तो हम जो है बनाकर ट्राई करने वाले हैं। क्या अगर कोई मस्ती मजाक के अंदर भी अगर आपके खाने में बियर मिला दे, या आपकी मैगी में बियर मिला दे, एक्सेट्रा किसी भी चीज में बियर मिला दे, तो यार उसका स्वाद जो है कैसा हो जाएगा। और सबसे पहले तो हम जो है मैगी को ट्राई करने वाले हैं। तो यार मैगी का स्वाद जो है कैसा होगा, क्या इसका रंग चेंज हो जाएगा, या सब कुछ आज जो इस वीडियो के अंदर हमें पता चल जाएगा। तो यार फटाफट से तैयारी करते हैं हमारी बियर वाली मैगी बनाने। तो यार हमारी बियर वाली मैगी बनाने का जो है सेटअप यहाँ पर लग चुका है। हमने कढ़ाई रख ली है, यहाँ पर गैस आ गया है, और ये आ गई हमारी बियर। तो अब सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं। तो यार आप लोग देख लो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फेक बाजी, हम इसके अंदर कुछ और डाल के लेके आ जाए और आपको बना के बताते हैं। तो यहाँ पर ये बियर ही है, इसकी जो आपके सामने मैं सील भी अभी ही हटाने को जा रहा हूँ, आपके सामने जो है मैं इसकी सील हटाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इसकी पैकेजिंग हट गई है यहाँ से, और अब इसको जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है खुल चुकी है, और अब जो है इसको डाल लेते हैं हम इसके अंदर। तो यार भाई अगर बोलू ना तो सच में मैं इतना बड़ा भोंदू निकला कि मुझे तो यार ये भी नहीं पता था कि जब बियर खुलती है तो उसमें से ऐसे कुछ झाग वगैरह भी आते हैं, और इसको धीरे से डालना चाहिए, इसमें ऐसे झाग भी बनते हैं। क्योंकि यार मैंने जो है कभी भी इसको हाथ भी नहीं लगाया, आज वीडियो बनाने के लिए जो इसको हाथ लगाना पड़ रहा है। तो यार सच बोलूं तो इसमें से बदबू भी जो है बहुत बेकार आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सारे फलों को जो है किसी गोदाम में रख के सड़ा दिया गया हो ना, कुछ सेम वैसी इसकी खुशबू है। समझ में नहीं आ रहा मैं इसकी बनी हुई मैगी यार कैसे खा पाऊंगा, पर जैसा भी हो आप लोगों के लिए और वीडियो के लिए हम ट्राई जरूर करेंगे। यहाँ पर मैगी के लिए जो है बियर इसके अंदर डल चुकी है, और अब इसको जो है सिर्फ गैस ऑन करना है, और इसके अंदर हमें डाल देनी है मैगी। तो फटाफट से हम जो गैस ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा गैस जो है ऑन हो चुका है, और अब इसके ऊपर चढ़ा देते हैं हम ये बियर, और अब ले लिए हमने यहाँ पर हमारी मैगी। फटाफट से जो है मैगी को तोड़ लेते हैं और इसके अंदर मैगी डाल देते हैं। तो यार आप बताओ कि आप जो है मैगी को कैसे बनाना पसंद करते हो, आप जो है सीधे डाल के बनाते हो, लंबे लंबे नूडल्स, या इस तरीके से पूरा कचरा करके बनाते हो। इसमें से मसाला जो है पहले यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, और अब जो है इसमें डाल देते हैं हमारी मैगी। तो यहाँ पर मैगी इसके अंदर डल चुकी है, और अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जो है थोड़ा गर्म होने का और मैगी का जो है इसके अंदर घुलने का इंतजार करते हैं। भाई सच में बता रहा हूँ यार, लोग इसको पीने वाले पता नहीं कैसे पी लेते होंगे, मुझे तो इसकी बदबू भी जो है इस रूम के अंदर सहन नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा इसमें से बेकार बदबू आ रही है। लेकिन कोई बात यार, वीडियो पूरी बनाकर ही रहूँगा मैं। अब इसके अंदर जो है बहुत अच्छा खासा उबाल आ गया, और अब यही सही समय होता है इसके अंदर मसाला डालने का। तो अब जो मैं इसके अंदर मसाला डाल देता हूँ, तो ये गया इसके अंदर सारा मसाला। तो यहाँ पर ये सारा खाली हो चुका है, इसको फेंक देते हैं। तो आप देखो यार यहाँ पर हमारी मैगी का जो है ना ऑलमोस्ट
पूरा पानी सूख चुका है, यानी पानी नहीं बियर, जो बियर थी पूरी हवा के अंदर उड़ चुकी है, गायब हो गई है, और यहाँ पर हमारी मैगी बनकर जो है एकदम रेडी हो गई है। तो अब ये जो है इसके अंदर देख लो आप, जरा सी भी बिल्कुल भी बियर नहीं बची, लेकिन यार सच्ची बता रहा हूँ इसकी स्मेल से ना मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका। तो यहाँ पर हमने गैस कर दिया बंद, हमारी मैगी जो है बनकर तैयार है। तो सिंपली अब इस प्लेट के अंदर जो थोड़ी मैगी यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारे टेस्ट करने के लिए। तो इसको जो इसके अंदर निकाल लेते हैं, तो यार ये तैयार है हमारी बियर वाली मैगी। भाई अगर इसकी बदबू की बात करें ना, तो खुशबू तो यार इसमें 1% की भी नहीं है। अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो इसमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसका एक घास भी खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि यार इसका जो है स्वाद कैसा आया है। तो फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको और मुझे दोनों को बेसब्री से इंतजार था, जो कि है इस बियर वाली मैगी को टेस्ट करना। तो यार आपको इंतजार इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा, और मुझे इंतजार ऐसा है क्योंकि यार मैं रोज बियर वाली मैगी बना के खाता नहीं हूँ अपने घर पे, और ना ही मैंने कभी बियर ट्राई किए, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा वियर्ड लग रहा है कि यार पता नहीं ये कैसी होगी यार, इसका मतलब कैसा स्वाद होगा। बदबू में तो भाई साहब पूछो ही मत, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी चीज के मुकाबले यार, इससे ज्यादा बुरी चीज मैंने कभी आज तक नहीं सुनी, सच बोलूं तो। तो अब फाइनली जो है इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम पास नहीं करते, बस आपसे यार एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ के आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के बारे में अच्छा लग रहा हो, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, तो यार इसको लाइक करके नीचे कमेंट जरूर से कर देना, और आप चाहते हो हमसे जुड़े रहना तो इस चैनल को जाके नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है यार, हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो अब जो है इसको आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, तो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। तो ये उठी यहाँ पर जो बियर वाली मैगी, मैं पहले बहुत थोड़ी सी लूंगा क्योंकि यार मुझे जो है ना आमतौर पर चीज़ों को डिटेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और मैं जो है अगर मुझे ये बुरी लगी ना तो सच में मैं यही उल्टी कर दूंगा, इसलिए मैं थोड़ी सी लेता हूँ पहले। यार ये सब क्या है, इसका स्वाद तो बिल्कुल ही कड़वा हो गया है यार। बियर कड़वी होती है, मुझे पता नहीं था, या आप लोगों ने अगर पी हो कभी तो मुझे बताना, वैसे पीना नहीं चाहिए और आपको यही सजेस्ट करूंगा कभी मत पीना, लेकिन यार आप कमेंट करके बताओ यार इसमें जो इतना कड़वापन कैसे आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर करेला मिला दिया यार, इतनी ज्यादा कड़वी। मतलब समय और पैसा पूरा का पूरा वेस्ट है, इसके अंदर कोई भी मतलब नहीं है, और ऐसा जो है आप कभी भी ट्राई कर भी नहीं सकते। मैंने क्या यार एक घास मुझसे खाया नहीं गया, मैंने निवाला जब तक मुंह के अंदर चबाया ना तब तक में मुझे उल्टी आने लग गई और मैंने जाके थूक दिया यार। मतलब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अभी ये फेंकने के लिए जाएगी, और इसका कुछ भी नहीं हो सकता यार, मेरे को लगता है जानवर को भी डालूंगा तो वो भी इसको नहीं खाएंगे, कुछ भी मतलब नहीं यार, इतनी कड़वी यार थोड़ा सा भी खाने लायक नहीं बची है, बिल्कुल बेकार। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यार कि आपको जो है इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर हम जो है बियर के अंदर मैगी बनाएंगे तो क्या होगा। यार मैं सच बता रहा हूँ कुछ नहीं होना, पैसा बर्बाद होना है और समय भी बर्बाद होना है, और टेस्ट में मिलेगा आपको एकदम कड़वापन, इसके मसाले का स्वाद तो गायब ही हो गया। तो यार मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसा कुछ भी कभी भी ट्राई करने की कोशिश करें ना, और अगर आप किसी भी तरीके का नशा करते हो तो उसे आज ही छोड़ दे, बंद कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों।